प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे विद प्रॉपर नोट्स एंड विद इजी एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अक्सर एग्ज़ाम में सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी को डिस्क्राइब करने के लिए पूछता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी से हमारा मतलब ये है कि ये जो सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी है, बेसिकली कुछ एसेंशियल क्वालिटीज हैं जिन्हें एक एडवोकेट को फॉलो करना होता है। यानी ये एसेंशियल क्वालिटीज एक एडवोकेट के पास होना चाहिए, राइट? अगर एक एडवोकेट इन सेवन लैम्प्स को फॉलो करता है या इन सेवन लैम्प्स पर वो मास्टरी हासिल करता है तो ये उसके प्रोफेशन को प्रकाशित कर देगा, राइट? या हम कह सकते हैं कि ये उसके प्रोफेशन को, उसके लीगल प्रोफेशन को उज्ज्वलित कर देगा। अच्छा, ये जो सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी का कंसेप्ट है उसे जस्टिस सर एबॉट पेरी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश जज थे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी बेसिकली वो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जो एक एडवोकेट के लीगल प्रोफेशन को लाइटेन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, राइट? तो क्या है सेवन लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, आइए समझते हैं। सबसे पहला है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरा है करेज, साहस। तीसरा है इंडस्ट्री। चौथा विट, WIT, विट। पांचवा इलोक्वेंस, इलोक्वेंस, ELOQUENCE। सिक्स्थ वन इज जजमेंट और लास्ट है फेलोशिप। देखो, तो ऑनेस्टी यानी एक एडवोकेट को ऑल द टाइम अपने लीगल प्रोफेशन के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति, कोर्ट के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए ऑल द टाइम। करेज, उसके अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए कि वो कोर्ट के सामने आर्गू कर सके, आर्गुमेंट कर सके, वैलिड आर्गुमेंट कर सके, अपनी बातों से जज को कन्विंस कर सके। इंडस्ट्री से मतलब ये है कि जैसे एक इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके कम कॉस्ट में, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उनके बिजनेस का ग्रोथ हो। सेम उसी रिस्पेक्ट में एडवोकेसी भी एक एडवोकेट के लिए इंडस्ट्री है, जहां उसे वो सभी एफर्ट्स करने होंगे
जिन्हें करके वो जजमेंट अपने फेवर में लाए, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में लाए, राइट। और इसके लिए उसे क्या करना है, उसे हार्ड वर्किंग रहना है, उसे प्रॉपर टाइम, उसे सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करना है केस को समझने में, लॉ को समझने में, राइट। तो यह है इंडस्ट्री। फिर है विट। विट का मतलब है हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, ताकि आप जज को दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर दो। और इसके लिए एक एडवोकेट को वैलिड आर्गुमेंट के साथ साथ प्लीजिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अगर कोई लॉ के पॉइंट पर उसे कम नॉलेज है तो वो अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, राइट। इलोक्यूंस का मतलब क्या है? इलोक्यूंस का मतलब है क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बिफोर द कोर्ट, राइट। और जजमेंट का मतलब है कि वो पहले से ही कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करके चले कि ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं। फेलोशिप का मतलब है बेंच के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन को बिल्ड करना, जिसे हमने बार बेंच रिलेशन में समझा था, राइट। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे नोट्स के साथ, राइट। तो ये है 7 लैम्ब्स ऑफ एडवोकेसी, जिन्हें अगर एक एडवोकेट फॉलो करता है तो वो अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट पीक ऑफ सक्सेस को अचीव कर सकता है, राइट। अगर इन 7 लैम्ब्स ऑफ एडवोकेसी को वो फॉलो करता है तो वो आसानी से अपनी ड्यूटीज निभा सकता है टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, राइट। तो सबसे पहला है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। देखो इसमें कहता है एन एडवोकेट मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स एंटायर जुडिशियल सिस्टम। एक एडवोकेट को एंटायर जुडिशियल सिस्टम के प्रति ईमानदारी दिखानी चाहिए। एक एडवोकेट को हमेशा ऑनेस्ट तरीके से एक्ट करना चाहिए टुवर्ड्स हिज क्लाइंट। एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के लैक ऑफ नॉलेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसे अपने ऑपोजिट लॉयर से भी ऑनेस्ट रहना चाहिए एंड बी ऑनेस्ट टू द लॉ। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो फ्रेज है इसे प्रॉपरली एक एडवोकेट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे एन एडवोकेट मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स एंटायर जुडिशियल सिस्टम इंक्लूडिंग क्लाइंट एंड ऑपोजिट लॉयर ऑल्सो। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स लॉ, राइट। फिर क्या है करेज। एक एडवोकेट के पास करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि वो बिफोर द कोर्ट प्रॉपर तरीके से खड़ा हो सके, राइट। उसके फेशियल एक्सप्रेशन में बोल्डनेस हो, उसके पास वैलिड आर्गुमेंट करने का करेज हो कि वो अपने आर्गुमेंट से जज को कन्विंस कर दे, उसके पास करेज होना चाहिए
कि वो अपने क्लाइंट को मिसलीड ना करें, केस के राइट स्टेटस को अपने क्लाइंट के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करें। उसके पास करेज होना चाहिए कि वो अपने ऑपोजिट लॉयर के भी वर्क को अप्रिसिएट करे। उसके पास करेज होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस जज पूछ रहा है उन क्वेश्चंस को वो बिना किसी हेजिटेशन के आंसर करे। अ लॉयर मस्ट बी अ करेजियस पर्सन, राइट? तो लिख लो, मस्ट हैव ability to stand before court courage to argue courage to convince the judge courage to appreciate work of opposite party या opposite lawyer, courage to face off questions put by judge। तीसरा क्या है? इंडस्ट्री। देखो, एक एडवोकेट को अपने प्रोफेशन के प्रति हार्ड वर्किंग होना चाहिए। उसे सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, ताकि केस का ईच एंड एवरी पॉइंट उसे क्लियर हो सके। उसे सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ। उसे नॉलेज स्किल पे फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना चाहिए कि जो जजमेंट है वो उसी के फेवर में आएगा, राइट? ये सभी चीज़ें हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री विच इलोक्वेंस जजमेंट एंड एट लास्ट फेलोशिप। तो इंडस्ट्री में आप लिखोगे शुड बी हार्ड वर्किंग शुड इन्वेस्ट सफिशियंट टाइम टू अंडरस्टैंड particulars of the case, should invest proper time to understand the law, ठीक है? Okay, फिर क्या है? Wit का मतलब होता है having a particular kind of intelligence in a particular field. The wit and presence of mind will make judge to rethink, it creates a space. अगर एक advocate में wit यानी एक particular kind of intelligence है, presence of mind है, तो ये एक judge को दोबारा से rethinking के लिए विवश कर देगा।
इट क्रिएट्स स्पेस और एक एडवोकेट को हमेशा प्लीजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ उसे क्लियर नहीं है तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले, सॉरी बोल दे, राइट, वो कह दे इट्स ओके इफ यू डिसएग्री विथ मी, आई कांट फोर्स यू टू बी राइट, इन वर्ड्स का वो इस्तेमाल करे, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करेगा बिटवीन द जज एंड हिज जजमेंट, राइट। तो लिख लो विथ एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, विथ एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड विल मेक अ जज टू रीथिंक एन एडवोकेट शैल यूज प्लीजिंग वर्ड्स। राइट, फिर क्या है इलोक्यूएंस? इलोक्यूएंस का मतलब होता है डिलीवरिंग अ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर करेज हो। जैसे फ्लुएंसी इन लैंग्वेज होना चाहिए, आप जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, वो अनएम्बिग्यूस होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव बॉडी स्टाइल आपके पास होना चाहिए, एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए लीगल लैंग्वेजेस का, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट अपने विटनेसेस से कम्युनिकेट कर सको, आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि इन द कोर्ट हॉल में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आप उन्हें अपनी बातों से कन्विंस कर दो, उन्हें इन्फ्लुएंस कर दो, आप स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करो बिफोर द कोर्ट, जिन भी बातों को आप रखना चाहते हो उन्हें क्लियर रखो बिना किसी हेजिटेशन के। तो देयर मस्ट बी फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड एन एडवोकेट मस्ट हैव क्वालिटी टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग मैसेज, टू कंडेम एनीथिंग, राइट। लिखो फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल लैंग्वेज, और क्या है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट एंड विटनेसेस, और क्या है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टुवर्ड्स योर क्लाइंट टुवर्ड्स योर पॉइंट, ability to influence people towards your point, ठीक है। जजमेंट देखो, एक एडवोकेट के पास एबिलिटी होना चाहिए कि पहले से वो कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करके चले, जैसे वो ये एक्सपेक्ट कर ले कि काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर्ट, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या काउंटर क्वेश्चन जज साहब पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों का पहले से उसके पास एबिलिटी टू एक्सपेक्ट होना चाहिए, राइट, एबिलिटी टू एक्सपेक्ट काउंटर आर्गुमेंट्स एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट काउंटर क्वेश्चन। लास्ट क्या है फेलोशिप। देखो फेलोशिप का मतलब है
फ्रेंडली बिहेवियर को मेंटेन करना बिफोर द कोर्ट, रिस्पेक्ट दिखाना टुवर्ड्स एंटायर लीगल प्रोसीडिंग्स। बार बेंच रिलेशन हमें यही सिखाता है कि एक एडवोकेट और एक जज के बीच फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के स्टेटस, पोजीशन, वर्क को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के वर्क को अप्रिसिएट करना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी विच लाइटन्स अप द लीगल प्रोफेशन इफ properly followed by advocates, right? तो this is all about today's lecture. आज के इस वीडियो में हमने 7 lamps of advocacy के concept को detail में समझा। तो अगर ये वीडियो आपको informative लगा हो तो please channel subscribe करिए, videos को like करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करिए, because I believe together we learn, together we grow. Thank you, have a nice day.